नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नर्सरी से हम पौधे लेके आते हैं और फिर हम उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, तो क्या जो नर्सरी में पौधे रेड सॉइल में लगे होते हैं तो वो रेड सॉइल रिमूव करना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है, क्या उसके पीछे का कारण है और उसे कैसे रिमूव करना है कि पौधे की रूट्स डिस्टर्ब ना हों। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा येलो टिकोमा का पौधा है और ये नर्सरी से ले आके मैंने ऐसे ही रख लिया था और इसे मैं ऐसे इसी पॉट में केयर कर रहा था। इसकी करीब 2 महीने हो गए हैं मुझे इस पौधे को लाए हुए और काफ़ी अच्छे से अभी तक पौधा चल रहा था, पर मुझे अब लगा कि पौधे को जो है थोड़ी स्पेस ज़्यादा चाहिए, गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं तो पानी इसमें टिकता नहीं, दिन भर पौधा सर्वाइव कर पाना इसका मुश्किल होता है, पत्तियाँ इसकी गिरने लग जाती हैं, तो अब इसे ट्रांसप्लांट करना आवश्यक है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी वीडियो साझा की जाए कि रेड सॉइल जो इसमें देखिए, रेड सॉइल में मोस्टली जो नर्सरी वाले हैं या तो रेड सॉइल या फिर जो चिकनी मिट्टी होती है, क्ले सॉइल जिसे कहते हैं, उसमें पौधे लगाते हैं, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे, हमें इसे रिमूव करना होगा। उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे इसे रिमूव करना है पौधे को, रूट्स को बचाते हुए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम है कि हमें इसकी मिट्टी को गमले में से इस पौधे को बाहर करना है। तो मैं बताऊं आपको कि ये जो प्लास्टिक पॉट्स में लगे होते हैं पौधे, ये बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत इन्हें ठोकना पड़ता है। तो इसे हम हल्का सा उल्टा करेंगे और ये पौधा गमले से बाहर आ जाएगा कुछ इस प्रकार। तो ये देखिए, जो लगा हुआ है पौधा पूरी तरह से रेड सॉइल में लगा हुआ है, लाल मिट्टी में। तो हमारे यहाँ का जो जलवायु है, एटमॉस्फेयर है, वो लाल मिट्टी का नहीं है, तो हम इसे लाल मिट्टी में नहीं लगा सकते, क्योंकि क्या होता है कि पौधा लाल मिट्टी में लगा होता है तो उसकी रूट्स उसमें बाउंड हैं, और जब हम अपनी जो नॉर्मल गार्डन वाले जिसमें हम लगाते हैं पौधे को, उसमें लगाते हैं तो रूट्स निकल नहीं पाती हैं इससे और उस मिट्टी में फिर फैल नहीं पाती, सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए हमें इसको रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अपने यहाँ का क्लाइमेट इस मिट्टी के हिसाब से नहीं है, तो हम अपने यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से पौधे को रखेंगे। नर्सरी वाले इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि पौधे नर्सरी वाले एक जगह पे नहीं रखते, उन्हें काफ़ी दूर से पौधे मंगाते हैं, तो कुछ पौधे गोवा से आते हैं, कुछ कोलकाता से आते हैं, तो जहाँ से भी आते हैं तो उन्हें इस प्रकार की मिट्टी लगानी होती है, क्योंकि ये बहुत ही वो होती बंधी होती है, रूट्स बंधे होते हैं, पौधे खिसकते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं, और इनमें थोड़ी पानी भी कम चाहिए होती है, तो इस वजह से उनकी इस प्रकार की मिट्टी में वो लगाते हैं। अब इसे मैं इतनी आसानी से रिमूव कैसे कर ले रहा हूँ, तो जब भी आप रिपोर्ट करें, मिट्टी हटाने को देखें, तो उससे पहले आप अच्छे से वाटरिंग ज़रूर कर दें, मिट्टी गीली होगी तो आसानी से हट जाएगी, रूट्स डैमेज नहीं होंगे। तो देखिए, इसे बचाते हुए जो रूट्स हैं हमारी वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, अगर रूट डैमेज हो जाएंगी तो पौधे का सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से हमने इसे बचाते हुए आराम से हल्के हाथों से, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मिट्टी नहीं हट रही है तो ज़बरदस्ती हटाना है, अगर थोड़ी बहुत मिट्टी रह भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूट्स डैमेज नहीं होने चाहिए, जो मेन रूट्स होती हैं, फीडर रूट्स अगर थोड़ी बहुत डैमेज हो भी जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए, जो मेन रूट्स होती हैं पौधे की, उसे अब आप बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो किसी बाल्टी में या टब में आप पानी भर के और उसमें इस पौधे को डाल के छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद करीब 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि सारी मिट्टी उस बाल्टी में, उस पानी में घुल जाएगी और पौधा आपका रूट सहित बाहर आ जाएगा। तो अभी गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, तो बड़ी सावधानी से इसे आप रिपोर्ट करें। ये देखिए, मैंने पूरी रूट्स अच्छे से निकाल ली है। अब इसमें आपको ध्यान देने की चीज़ ये है कि इतनी गर्मी है तो आपको वाटरिंग और पौधे को ऐसी प्लेस दें जहाँ का टेम्परेचर
बहुत ज़्यादा हाई ना रहे। डायरेक्ट सनलाइट में तो अभी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल नहीं रखना है, और टेम्परेचर का भी ख्याल रखना है कि अगर 40-45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर आपके यहाँ का है तो आप ऐसा एटमॉस्फेयर दें से ह्यूमिडिटी बनाए रखें कि पौधा सर्वाइव कर जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये ट्रांसप्लांट का समय नहीं है, पर फिर भी हमें करना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें काफ़ी सावधानियाँ बरतनी हैं। तो अब दोस्तों जैसे ये रूट हमने निकाल ली है, इसे हमने करना है फंगस से बचाने के लिए, इसमें हमें जो हम वो बनाएंगे मिट्टी बनाएंगे, जिस मिट्टी में इस पौधे को लगाएंगे उसमें हमें फंगिसाइड पाउडर ज़रूर ऐड करना है। तो ये देखिए ये मिट्टी मैंने बना के रेडी कर ली है, मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जिसको मैं बाकी गमलों में यूज करता हूँ। मिट्टी कैसे बनानी है ये मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये मिट्टी भर रखी है गमले में और पौधे को आराम से रखेंगे और फिर इसको मिट्टी से ढक देंगे। ये देखिए दोस्तों इसे हमने इस प्रकार से मिट्टी से इसकी रूट्स को कवर कर दिया है अच्छे से, और इसे हल्के हाथों से मिट्टी को जो है प्रेस कर लेंगे क्योंकि रूट्स अभी सेटल नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा जो एयर पॉकेट होगा मिट्टी में उसे ख़त्म करना है। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए तो इसे हमने मिट्टी भर दी है, अब इसमें हम करेंगे वाटरिंग, और वाटरिंग करेंगे इतनी कि गमले में जितनी मिट्टी है पूरी गीली हो जाए और जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी बाहर आने लग जाए। और इस पौधे को हमें रखना है पूरी तरह से शेडेड एरिया में, और टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है। तो हमें क्या करना है, इस पौधे के गमले के आसपास, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो गमले के आसपास हमें किसी टब में या किसी चीज़ में बाल्टी में पानी भर के रख देना है जिससे इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे इसके आसपास का। तो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो पौधा सर्वाइव करने में काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों हमने कर दिया इसमें अच्छे से वाटरिंग, और पानी हमें फिर से मैं बताऊं तब तक देना है जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी निकलने लग जाए। और अब दोस्तों मैं बताऊं कि जो ये लाल मिट्टी इस गमले में से निकली है तो इसे हमें फेंकना नहीं है, इसका भी यूज हमारे गार्डन में ही है। जब हम ग्रो बैग भरते हैं उसका वीडियो मैं आप लोगों को, ग्रो बैग कैसे भरना है चैनल पर जल्दी आने वाला है, तो इसे ग्रो बैग जब भरते हैं हम उसमें इसको यूज कर लेंगे। किस प्रकार यूज करेंगे जो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीका है ये जो ग्रो बैग में भरेंगे तो इसके भी कुछ न्यूट्रिएंट्स जो एबिलिटी होती हैं वो उस हमारे ग्रो बैग में सभी मिट्टी के साथ मिलकर भरपूर मात्रा में बराबर हो जाएगी। इसको अगर आप वैसे भी यूज करना चाहते हैं बड़े ग्रो बैग के बजाय छोटे में, तो इसमें आप रेत या राइस हस्क और कुछ अपने गार्डन की मिट्टी मिला के इसे आप यूज कर सकते हैं, तो फिर मिट्टी जो है एक इस प्रकार से नहीं रह जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी। तो हमें भुरभुरी मिट्टी ही चाहिए तो इसको हमें बनाना पड़ेगा गमले में यूज करने लायक। इसको छोटे गमले में कैसे यूज करना है उसके लिए भी हम वीडियो लेके आएंगे, तो आप लोग चैनल पर अपना प्यार देते रहिए, वीडियोज देखते रहिए, जितनी जानकारी हमें है और या जो हम यूज करते हैं वो सभी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।